ये यहाँ पर बच्चा कैनो पे लगा था हमारे यहाँ का लोगो कॉलोनी का चश्मे की। तो मतलब मैंने उन लड़कों की कह दिया था, मैंने कहा भैया मैं पैसे दे दूंगा, तू इन्हें ज्यादा परेशान मत करे, 500 रुपए दे दिए थे। ये है नगर निगम से, क्या नाम है इसका, योगेंद्र कह रहा है मेरे पास नगर निगम का ठेका है पूरे अलीगढ़ का। अच्छा, 500 रुपए मैंने दे दिए, मैं था गाजियाबाद में, लड़के से ही दिलवा दिए थे शहजाद से, नगर निगम का ठेकेदार वसूली उत्पाद की वसूली। अच्छा। तो मैंने कहा 500 रुपए ले ले इन बच्चों से, गरीब आदमी है। हाँ। बाकी मैं दे दूंगा आन के। अच्छा, तो ये मतलब आन के इनने बंद करा दी, मैंने आन के मना किया तो डायरेक्ट उसने मतलब हाथापाई के बाद में उन्हें तुरंत मतलब पिस्टल निकाली और कितने फायर करी कोई पता नहीं। ये तीन राहगीर हैं। मतलब मैं तो झंगा झोटी करता रहा हूँ, वो मेरे कभी यहाँ से निकल जा, कभी यहाँ से निकल जा। मैं नहीं, उसके साथ चार लोग थे, योगेंद्र वो लगा था, शहजाद वो मुस्तफा। योगेंद्र कहाँ का रहने वाला मुझे नहीं मालूम। ना वो मेंटल नहीं, ना मेरी ये किताब में ठेकेदार हूँ। फुटपाथ पे लड़के हमारे यहाँ मोहल्ले के दो लड़के चश्मे की कैनोपी लगाते हैं, उनसे 500 रुपए मैंने दिलवा दिए। फिर मैंने कहा नगर निगम का ठेका वेगा कोई नहीं है, मैंने अपने महानगर अध्यक्ष से मालूम कर लिया है। उसके बावजूद उसने मतलब जो है हाथापाई शुरू की और उसके बाद में मतलब जिसने 5-7 फायर किए मेरे बराबर से 3-4 घंटे। वकील अपने आ गए यहाँ हमारे कचहरी के, उन्होंने बचाया, तब जाके उन्होंने उनके सहयोग से बता दो क्या है, पता नहीं क्या, आप बता तो नहीं था। SSP केवल एम्पावर्ड है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाइक देने के लिए। मैंने एक बार भाई साहब ये बैनर वाल पेंटिंग कैनोपी वाहन प्रचार पूरे सिटी का, ये आरोपी हिरासत में। हाँ, आरोपी हिरासत में हो गया। इसकी बाइक एक घायल है जिसके कहाँ लगी गोली, कान में गोली लगी है, राइट। अच्छा, और दूसरा ये दो आप
मारा है हमें गोली चलाने नाम जी मेरा मनोज है। घटना ये हुई थी कि वो उसका ना क्या MCF का जाने उसका था, वो ठेकेदार नगर निगम का ठेकेदार था, उसने आके यहाँ पे चश्मे वाले ने अपनी कैनोपी लगा रखी थी, उससे आके उगाही कर रहा था। उगाही करने के बाद उसने बोला कि मेरे पास कुछ पैसे ये ले जाओ, पूरे पैसे नहीं है, ये हो रहा था। इसके बाद भी उसने नहीं माना, उसके बाद उनकी आपस में हाथापाई हो गई। हाथापाई होने के बाद तो शायद कोई भी हल्का पड़ रहा हो, उसने फिर राउंड मार दिया सीधा, एक पहले ऊपर फायरिंग करी एक, उसके बाद डायरेक्ट करी, फिर एक बार वो भाग गया है। उसके बाद फिर वो दोबारा वहाँ से वापस आया है, आने के बाद उसने फिर गोली भी चलाई है, कम से कम 5 राउंड पूरे लगातार। तो यहाँ पर एक जा रहे थे वो वकील साहब जी, तो उनके ना गाड़ी में लग गया, फिर उनके पैर में गोली लगी, ये हुआ है ये। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल वसूली का मामला जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और वो पकड़ भी गया बंदा, उसकी राइफल वो ज्योति पिस्टल वो भी पकड़ गई जी। ये अपने मासिक तहबजारी की वसूली को लेकर के संभवतः जो कांड हुआ है, जो कुछ और दुकानदार थे उनसे जानकारी जो मिली है कि 600 रुपये प्रति माह यहाँ पर कैनोपी लगा करके कुछ सामान बेचने के लिए वो देते थे ठेकेदार को। ये इमरान नाम का जो ठेकेदार था, इसने 500 रुपये उसको दिए इस बार, और जो भी अंदर की बात रही हो ये तो तहकीकात में बाकी डिटेल निकलेगा। तो उसको लेके कहा सुनी हुई, जिसमें गुत्थम गुत्था होने के बाद एक पक्ष जो ठेकेदार का पक्ष है, जोगिंदर नाम का व्यक्ति, उसने रिवॉल्वर या पिस्टल है उसके पास संभवतः, वो पिस्टल निकाल करके फायरिंग करी है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। लेकिन हमारी फोर्स, विशेष करके हमारा लेपर्ड 76 नंबर के लेपर्ड, जिसमें मोहित कुमार नाम का एक जो सिपाही हमारा है, उसने बड़ी जाबाजी से उसको हाथ में पिस्टल, जिंदा पिस्टल होते हुए भी उसको जाकर के ललकार करके उसको पकड़ा है, उससे पिस्टल छीनी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो वो व्यक्ति मैं पिस्टल के गिरफ्तार हो गया है, जो घायल हैं वो भी थाने भेज दिए गए हैं और वहाँ से मेडिकल कराया जा रहा है उनका। जो घटना हुई है कलेक्ट्रेट के सामने अत्यंत शर्मनाक और अत्यंत जघन्य घटना है, इसको बिल्कुल सीरियसली लेते हुए कठोरतम कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। जो ठेकेदार हैं इनके ठेके कैंसिल कराने से लेकर के असले कैंसिल कराने से लेकर जो भी धाराएं इनके ऊपर बनती हैं वो सब लगाई जाएंगी इनके ऊपर। अब ये सब तहकीकात करने दीजिए, अभी घटना हुए मुश्किल से 10-15 मिनट पहले की बात है, सारी चीज़ें निकल करके आने दीजिए। अभी तो यहाँ पर गहमा गहमी को कम करते हुए जो अरेस्ट करके ले गए हैं उनको सबकी जानकारी करी जाएगी, उसके बाद बताया जाएगा। कितने राउंड फायरिंग हुई होगी ये भी अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, संभवतः 4 या 5 राउंड की बात कही गई है, एक्चुअल पोजीशन तो अभी जब तहकीकात होगी तब निकल के आएगी। ठेका है तेरे पास? हाँ ठेका है। ठेका किस नगर निगम ने दे रखा है? क्या बाजारी का नगर निगम और बोल कैनोपी, कैनोपी तो कैनोपी पे कौन तो मतलब क्या रोड साइड से तू वसूली करेगा? नहीं जगह नगर निगम तो कैसे वसूली कर रहा था तू वहाँ पर? गुंडा टैक्स वसूल रहा और क्या कर रहा था बता बताना। अरे सर मैं क्या सर, मैं तो पैसे लेने गया था। किस बात के पैसे? कैनोपी जो लग रहा है, कैनोपी का है क्या वो? उसमें तो नहीं आती प्रचार में, वो तो फुटपाथ पे है ना, बताना बोलना बोल बता। हाँ सर बताना क्यों वसूली करने गया था वहाँ? सर कैनोपी टैक्सीबल है, उसमें लिखा हुआ। कहाँ पे लिखा हुआ उसमें? लिखा हुआ था जो हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसमें, उसमें गोली चला देगा? नहीं मैंने कहा चला, और किसने चलाई? तो है ही नहीं को सर। अच्छा मेरे को तो मार पीट हुई है मेरे से। अच्छा वो इतने कहीं से मांग रहा था, मतलब 600 रुपये महीना वो दे रहा है। Thank you.